हरे कृष्णा, राधे राधे। आज जो आप ये फूल मंगला देख रहे हैं, हम अपने लड्डू गोपाल के लिए ये बनाना बताएंगे आपको कि किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर पर ही वेस्ट मटेरियल से लड्डू गोपाल के लिए ये फूल मंगला बना सकते हैं। और बहुत ही आसान है बनाना। तो देखिए, इस प्रकार से जो एक कार्डबोर्ड होता है, मैंने वो ले लिया है और उसको हम उसी कटिंग में हम इसको कट कर लेंगे जिस प्रकार से फूल बंगला होता है। तो देखिए, मेरे यहाँ पर 8 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ये फूल बंगला बना रही हूँ। और बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं तो हम लड्डू गोपाल की जब डेकोरेशन करते हैं तो हमें ज़्यादा डेकोरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस फूल बंगला लगाइएगा और अपने लड्डू गोपाल को बिठा दीजिएगा, बहुत ही सुंदर सी इससे डेकोरेशन हो जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर वो एक कार्टून आता है फॉर्चून का, किसी भी आप दुकान से लेंगे तो वो आपको आसानी से दे देंगे, मिल जाता है ये। और मैंने इस प्रकार से जो चाकू आता है, ये भी शायद 20 रुपये का या 10 रुपये का आता होगा लगभग, काफ़ी पुराना है मेरे पास। और इससे आप काटेंगे इस कार्डबोर्ड को तो अच्छे से कट जाता है और आपको हाथ वाथ कटने का भी डर नहीं रहता है। जब भी आप ये काम करें तो किसी बड़े की हेल्प लें, अगर आप छोटे बच्चे हैं या बना रहे हैं, आपका मन है बनाने का, और मात्र आप बहुत ही कम बजट में इस चीज़ को बना सकते हैं घर में। अगर आप मार्केट से लाएंगे तो इसका जो साइज़ के अकॉर्डिंग इसके रेट होते हैं मार्केट में, तो जो पार्ट होते हैं इस प्रकार से हमें बीच में कट कर लेने हैं। और देखिए, आप चाहें तो आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं इसको बनाने में, आप चाहें तो, या फिर कागज़ का भी इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं। जो सीट आती हैं वाइट कलर की, जो भी आपको कलर पसंद हो वो कलर चॉइस कर सकते हैं। और ऊपर लगाने के लिए मैंने एक और गत्ता कट कर लिया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा मोटा रखना है। मैंने यहाँ पर ये वाला फैब्रिक लिया है और एकदम शाइनिंग से ये बेबी पिंक कलर है इसका। और इस तरीके से मैंने 4 ये ऊपर के हिस्से के लिए और 3 नीचे के हिस्से के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है उसके अकॉर्डिंग से। और इसको जो ऊपर मैंने लगाया है उस पर मैंने कपड़ा पहले ही लगा लिया था, क्योंकि अगर जो डिटेल में अगर आपको पूरा वीडियो दिया जाएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमें जो कपड़ा कट करना है वो उसके अंदर से हमें 1/2 इंची एक्स्ट्रा रखना है, जो कि आप अंदर फोल्ड कर सकें। तो इस तरीके से हम नाप ले लेंगे कपड़े का, क्योंकि हमें अंदर फोल्ड भी करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बड़ा रखना है। अगर आप यहाँ पर सीट लेना चाहें, जो कागज़ की सीट आती हैं वो ले सकते हैं, उनको चिपका सकते हैं, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं रहेगा। देखने में सुंदर वो भी लगेगा, आप बनाना चाहेंगे उसका और भी इजी रहेगा बनना, लेकिन मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ आपको एकदम पुख्ता और मजबूत बताती हूँ, जो कि आप घर पर ही घर की चीज़ों से आप आसानी से बना सकें। आपको ना तो यहाँ पर ग्लू गन की आवश्यकता है, ना फेविकॉल की आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ये सुई से और मशीन से सिल करके, देखिए कार्डबोर्ड पर मशीन चल गई थी तो मैंने चला कर देखा, तो जो मैंने साइडें हैं कपड़े की, ये मैंने इसी प्रकार से मशीन से सिल ली थी और काम थोड़ा आसान भी हो गया था और जल्दी भी हो गया था। तो इस प्रकार से सिलने के बाद में जो अंदर का हमें दोबारा से मोड़ना पड़ेगा वो मैंने सुई से किया था, क्योंकि मशीन उसमें अंदर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था और फिर मुझे ये लग रहा था कि सिलाई अगर ज़्यादा चलाऊंगी तो बाहर से वो दिखेगी। तो एक बार बस चलाने के बाद में वो अच्छे से जॉइंट हो गया कपड़ा, फिर सरक नहीं रहा था और मुझे आसान लगने लगा, फिर मैंने वो सुई से सिला था। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर जो सारा कपड़ा था उसको, यानी कार्डबोर्ड था उसको कपड़े से कवर कर दिया है। अब आप चाहें तो इसको हल्के गीले कपड़े से, जब गंदा हो जाए तो उसको साफ़ कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बन के ये लगता है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो शेयर करूँगी, और काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रही है, कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि लड्डू गोपाल का झूला बनाना बताइएगा। तो देखिए, थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करने में मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें बताती हूँ वो आसान से आसान चीज़ें लेके आती हूँ, जो कि घर के ही चीज़ों से, सामान से आप वो बना सकें। मैं चाहूँ तो अपने लड्डू गोपाल के लिए बाज़ार से भी ला सकती थी ये चीज़ें, पर मुझे लड्डू गोपाल के लिए अपने हाथों से चीज़ें बना करके बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और मेरे लड्डू गोपाल को भी अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ लोगों के फिर कमेंट आते हैं कि लड्डू गोपाल के लिए तो ऐसी चीज़ें बनाती हैं, वैसी चीज़ें कम पैसों में बनाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे अपने भाव हैं। पैसा कुछ मायने नहीं रखता है, हमारे भाव मायने रखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जो ऊपर हमने एक अलग पार्ट बनाया था उसको भी हम सुई से टांग देंगे, यानी जॉइंट कर देंगे। आप अगर फेविकॉल वगैरह से चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर
फेविकॉल का और ग्लूगन का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ सुई धागे से और मशीन से ही इसको सिल करके हमने बना दिया है। और आपके पास वाइट कलर की ऊन है या येलो कलर की ऊन है तो वो आप इस तरह से जो हमने खाने पीछे के जो खाली छोड़े हैं जो या जो हम लुक देने वाले हैं फूल बंगले का, तो वो इस प्रकार से हम देंगे। तो सिंगल लेयर से हम इस तरह से बना लेंगे क्रॉस वाइज। उसके बाद जब हम दूसरी लाइन बनाते हैं इसमें तो वो हमें डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बनानी है, तो एक ऊन को आप नीचे छोड़िएगा एक ऊपर छोड़िएगा, इस प्रकार से हमें इसको फिल करना होता है। यानी जो चौखाने होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। अगर आप सीधा सीधा कर देंगे तो फिर झोल आ जाती है उसमें। और आप जो देख रहे हैं वो थोड़ा बीच का जो हिस्सा है वो टेढ़ा हो गया है, मैंने एकदम से प्रेस कर दिया था तो वो दब गया, लेकिन हम इसको इतनी मेहनत की है इसको बेकार नहीं जाने देंगे। लेकिन हमने जो भी जुगाड़ लगाया वो उससे और भी अच्छा रहा। तो वो क्या जुगाड़ लगाया है हमने वो भी आपको बता देते हैं। आपके पास अगर ये लकड़ी मिल जाती है तो आप ये जुगाड़ ज़रूर लगाएं, जिससे आपका ये फूल बंगला है लड्डू गोपाल का वो और भी ज़्यादा मजबूत रहेगा। आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। और जो ऊन के मैंने बनाया है ये फूल बंगले का जो डिज़ाइन दिया है वो एक इंची की दूरी पर हमें टिक लगाकर किसी भी चीज़ से, उसके बाद हमें ये फूल यानी ऊन से हमें इस तरह से इसको फिल कर देना है गुलाब वाले। तो और हमारे गांव में मंदिर है जो हर साल उसका बर्थडे होता है, तो जो भी जितने भी देवी देवता हैं सभी के वस्त्र और उनकी ज्वेलरी हर साल न्यू आती है। जो ओल्ड हो जाती है उसको या तो मंदिर में कहीं विसर्जन किया कर दिया जाता था। तो मैं क्या करती हूँ, जो मालाएँ होती हैं लड्डू भगवान की बड़ी बड़ी, तो उनमें से जो मटेरियल अच्छा अच्छा होता है जैसे फ्लावर मैंने उसमें से निकाल लिए, मोती निकाल लिए, तो इस प्रकार से मैं फिर उनका यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत ही देखिए खराब नहीं होते हैं ये, तो मालाएँ जो होती हैं भगवान पहने रहते हैं उनका मन भर जाता है तो उनको फिर से नई मालाएं पहनाई जाती हैं। तो मैं इस प्रकार से उस मंदिर में जो भी चीज़ें होती हैं तो उसका यूज़ कर लेती हूँ फिर से। और जो पॉम पॉम है वो हमने ऊन से बनाए हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की गुलाब नहीं है, नहीं मिलते हैं, तो आप सिर्फ पॉम पॉम और मोती लगा करके इसको बना सकते हैं ऊपर। लेकिन ये जो गुलाब लगा दिए हैं तो उससे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन आप पॉम पॉम एक येलो कलर का और रेड कलर का बनाएंगे तो वो भी एक गुलाब की तरह ही लुक देंगे, क्योंकि हमने ये घर की चीज़ों से बनाया है। और अब हमारे पास आती है बारी लेस की, तो जो भी लेस हमारे पास पड़ी हुई है हम उसी से बनाएंगे। ये पॉम पॉम वाली लेस होती है जो आपको ब्लू वाली दिख रही है, मेरे पास ब्लू कलर की ही थी, मार्केट गई थी तो पॉम पॉम वाली लेस नहीं मिली थी। तो जितनी भी जो भी लेस है हमारे पास उसी से हम बनाएंगे। तो ब्लू वाली मैंने ऊपर लगा दी है, और ये जो सितारा वाली है बड़े सितारा वाली गोल्डन कलर की, वो हम यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि हमारे पास ब्लू वाली लेस ज़्यादा नहीं है। इसलिए अगर मेरे पास ब्लू वाली लेस ज़्यादा होती तो मैं डबल लेयर उसकी ऊपर लगाती, और बाकी का हमने जो फूल बंगला बनाया है नीचे साइड में वहाँ पर भी हमें इसी प्रकार की बनानी है। और अगर आपको लेस मिल जाती है पॉम पॉम वाली, इसको पॉम पॉम वाली लेस बोला जाता है, तो आप वाइट कलर की या फिर येल्लो कलर की लेस ले करके आएँ, तो वो ज़्यादा सुंदर लगती है। मुझे मिली नहीं थी, मेरे पास यही रखी हुई थी, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। और लेस मैंने यहाँ पर इस प्रकार से सुई से टांगते हुए लगाई है, ना छूटने का झंझट ना निकलने का झंझट। अगर आप फेविकॉल से या ग्लू स्टिक से इसको चिपकाते हैं तो कभी ना कभी वो निकल जाती है। ज़्यादातर मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो सुई धागे से ही सिल के बताई हैं, जिससे वो चीज़ें मजबूत रहती हैं, पुख्ता रहती हैं। तो देखिए हमने गोल्डन कलर की यहाँ पर लेस लगा दी है, और अब बारी आती है इसमें अंदर लेस लगाने की, तो वो भी लगा लेते हैं जितनी भी होती है, देखते हैं कितनी होती है हमारे पास लेस। तो देखिए वो जो बीच में मुड़ रहा था, तो हमने ये लकड़ी ले ली है एक प्लाई की है, बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको कट कर लिया है अपने इसके अकॉर्डिंग। हमें तीन हिस्से इसके लगाने पड़ेंगे, मैंने सोचा बीच में ही लगाऊंगी, पर मुझे लगा कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं ये दोनों साइड में भी लगा देती हूँ। तो यानी तीनों साइड में मैंने इस प्रकार से कार्डबोर्ड के बीच में से इसको ले करके इस तरह से इस लकड़ी को पूरे में सिल दिया है, ऊन से ही टाँका है ये। आप चाहें तो धागे से भी टाँग सकते हैं, लेकिन ऊन थोड़ा मोटी रहती है, उसका अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा नीचे रखने के लिए इस फूल मंगले को, और ये लॉन्ग टाइम तक हमारा ख़राब नहीं होगा। क्योंकि नीचे का जो पार्ट है हमें वो रखना होता है ज़मीन पर या जिस भी चीज़ पर आप रखना चाहें, तो उस पर अच्छे से हमें इसको सपोर्ट मिल जाएगा ज़मीन पर। तो देखिए इस प्रकार से मैंने सोचा, फिर दोनों ही साइड में लगा भी देते हैं, तो यहाँ पर मैंने लगा दिए तीनों साइड में। मैंने इस प्रकार लकड़ी लगाने के बाद में इस प्रकार आपको दिख रहा है,
अब मैं इसमें लेस लगा देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा टाँका लगा सकते हैं, लेकिन फिर आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इसलिए सुई से टाँके ऊपर नहीं लगाए थे सपोर्ट के लिए। तो ये वाली जो लेस बची हुई है हमारे पास जितनी भी है, वो मैं इस प्रकार से इसको सुई से टाँक कर ही लगाऊंगी, मैं चिपकाऊंगी नहीं। और मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर का ही धागा ले लिया है और इसको इस प्रकार से मैं इसको सिल दूँगी। यहाँ पर जितनी भी जो भी लेस है आपके पास वो लगा सकते हैं। वैसे तो फूल बंगले में अगर आप मार्केट में देखेंगे तो इस प्रकार की पोमपोम वाली लेस ही लगी हुई आती है, तो इसलिए आप पोमपोम वाली लेस लगाएं तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और ऊपर के लिए अब हमारी ये लेस जो है कम पड़ रही है टुकड़ों में, तो अब हमने इस वाली लेस का जुगाड़ बनाया है, हम ये वाली लेस लगाएंगे। ये भी लगने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल के फूल मंगने का फाइनल लुक। क्योंकि गर्मियों में बाकी बिहारी मंदिर में वृंदावन में फूल बंगला सजाया जाता है उनको, जिससे ठंडकता प्रदान होती रहे। तो देखिए कोई भी फेस्टिवल आता है, अब बसंत पंचमी आने वाली है, तो इस हम लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करेंगे, तो थोड़ी सी डेकोरेशन भी हमें करनी होती है। तो इसको फूल बंगले को रख करके मुझे थोड़ी सी कमी और भी लग रही है, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ और भी जुगाड़ कर दूँगी, उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और देखिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग जो झूले की वीडियो के लिए बोल रहे हैं, वो भी 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैं आपको झूला बनाना बताऊँगी, बहुत ही पुख्ता और मजबूत, जो कि आपके लड्डू गोपाल 8 नंबर के आराम से उसमें झूल सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे लड्डू गोपाल का फूल बंगला कैसा लगा है, और आपने बनाया या नहीं बनाया है अब तक, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल से जुड़ी जो वीडियो होती हैं, कुछ भी बनाने की लड्डू गोपाल के यूज़ की, वो मेरे चैनल पर आती रहती हैं। और आपके कमेंट के द्वारा लड्डू गोपाल की चीज़ों को मैं बनाती रहती हूँ, और मुझे भी आनंद आता है, और हमारे प्यारे लाला ठाकुर जी को भी बहुत आनंद आता है इस प्रकार की सेवा लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे।